हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं जो है बार की तरफ से नई वैकेंसीज निकाली गई हैं उनके बारे में, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से आपकी जो गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं वो निकाली गई हैं। तो इसमें जो आपकी जो कस्टम क्वालिफिकेशन, सैलरी और आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहने वाली हैं, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपके जो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म हैं वो आपके 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट की बात करें तो 22 मई 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, यानी आपको लगभग 1 महीना दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। लास्ट डेट की बात करें तो 22 मई तक आप जो है फीस भर सकते हैं, लास्ट डेट तक। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आपको कोई जो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जा रहा है फीस भरने के लिए। इसके आगे हम बात करें जो है इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में, तो इसमें जो है पोस्ट नेम एक साइड दी गई हैं और एक साइड नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखाई गई हैं। तो टेक्निकल ऑफिसर की आपकी 181 वैकेंसीज हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट की 7 वैकेंसी हैं, और टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की 24 वैकेंसीज रखी गई हैं, और जो स्टेपेंडरी ट्रेनी रहेंगे उनके लिए 1216 वैकेंसीज निकाली गई हैं, और ट्रेनी कैटेगरी जो सेकंड में रहेंगे वो उनके लिए 2946 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके 4374 रखी गई हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके आगे हम बात करते हैं जो है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और एज लिमिट के बारे में। तो जो आपके टेक्निकल ऑफिसर्स रहेंगे, जो टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी एमएससी और बीटेक रहने वाली है रिलेटेड फील्ड से, और 18 से 35 साल इसमें ये आपकी एज लिमिट रखी जाएगी। और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए बात करें तो बीएससी आपने की हो इन फूड या फिर होम साइंस या फिर न्यूट्रिशन से, अगर आपने बीएससी की हुई है तो आप जो है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एज लिमिट जो है 18 से 30 साल रखी गई है। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की बात करें तो इसमें जो है 10th पास मांगा गया है विद बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, यानी आपने जो है टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट का आईटीआई किया हो या इसका कोई सर्टिफिकेट हो आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से 25 साल रहेगी। इसके आगे हम बात करें जो स्टेपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 रहेगी, उसके लिए आपके पास जो है बीएससी होना चाहिए और डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड। आप जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए उसी फील्ड का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 19 से 24 साल इसमें एज लिमिट मांगी गई है, और ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड की बात करें तो 10th 12th आईटीआई मांगा गया है, और इसमें जो है आपकी एज लिमिट 18 से 22 साल रखी गई है। तो अगर आपके पास 10th 12th या आईटीआई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके आगे हम बात करते हैं जो है इसके एग्ज़ाम फीस के बारे में। तो इसमें जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे टेक्निकल ऑफिसर के लिए, उनके लिए 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, और जो है SC ST PWD और वुमेन के लिए छूट इसमें रखी गई है। और इसके आगे हम बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो इसे 150 रुपये रखी गई है SC ST PWD और OBC सॉरी SC ST PWD और वुमेन के लिए जो है इसमें एग्जेम्पशन रखा गया है। अब बात करें जो है टेक्निकल बॉयलर असिस्टेंट की, तो 100 रुपये रहेगी, और जो है जो आपके स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 है उसके लिए 150 रुपये, और जो ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड है उसके लिए 100 रुपये रखी गई है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके आगे हम बात कर लेते हैं जो है इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, और साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो इनके लिए जो है CBT कंडक्ट करवाया जाएगा। टेक्नीशियन जो बॉयलर अटेंडेंट के लिए अप्लाई करेंगे वो उनके लिए प्रीमली टेस्ट और एडवांस टेस्ट और स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, और ट्रेनिंग कैटेगरी के लिए जो है आपके पास CBT और इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, और जो सेकेंड ट्रेनिंग कैटेगरी है उनके लिए प्रीमली टेस्ट और प्री टेस्ट और एडवांस टेस्ट और आपका स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। तो आप जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे तो उस कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिए आपको जो है किस कैटेगरी में अप्लाई करना है और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर उसके लिए क्या रहने वाला है। इसके आगे हम बात करें जो है इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे टेक्नीशियन और बी एंड सेकंड कैटेगरी के लिए, तो वो उनके लिए जो है 50 MCQs दिए जाएंगे, और जिसमें आपका मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, और 3 मार्क्स विल बी अवॉइडेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी आपको 3 नंबर दिया जाएगा प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए, और 1 मार्क अगर काटा जाएगा आप अगर जो है इनकरेक्ट आंसर देते हैं, तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग इसमें 1 नंबर रखी गई है। इसके आगे हम बात करें
मैथमेटिक्स साइंस जनरल अवेयरनेस से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस से 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे आपके 150 मार्क्स के। और इसमें जो है 1 घंटा यानी 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इसे जो है सॉल्व करने के लिए, तो आप जो है अपने टाइम का मैनेजमेंट बना के रखिएगा। इसके आगे हम बात करें इसकी सैलरी के बारे में, तो इसमें जो सैलरी रहेगी आपकी टेक्निकियन ऑफ सॉरी टेक्निकल ऑफिसर के लिए लेवल 10 की सैलरी रहेगी, जिसमें 56,100 रुपये सैलरी रहने वाली है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 35,400 रुपये सैलरी रहेगी और टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के लिए 21,700 रुपये रहेगी। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। और जो है स्टाइपेंड्री कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो है आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर में आपको 24,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा और सेकेंड ईयर में 26,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा। और इसमें जो सेकेंड कैटेगरी में है उनके लिए जो है फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा और सेकेंड ईयर में 22,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो जो ट्रेनिंग कैटेगरी में होते हैं उनको स्टाइपेंड मिलता है, उनको सैलरी जो है नहीं दी जाती है, स्टाइपेंड जो होता है वो दिया जाता है जो भी आपका कंडक्ट करवाते हैं आयोग वो देते हैं। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। थैंक यू।